बात हैं, के बारे में. तो कैसा है जो कि मेजॉरिटी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है होता नहीं डिफिकल्ट लगता है दो चीजें बेसिकली जब आप डी कर रहे हो तो आपको लगता है कि यहां वाला होंगे एक होती है आपका रिकर्जन दोनों चीजें हम करने वाले हैं स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंटर के साथ बिल्कुल स्क्रैच से जाएंगे कि वट इज अ पॉइंटर वाई वी नीडेड है वाई वाला पार्ट डिस्कस करेंगे पॉइंटर एथेमेटिक देखेंगे मल्टी लेवल पॉइंटर देखेंगे यार पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर कैसे काम करते हैं या फिर अलग अलग टाइप के पॉइंटर कैसे होते हैं पॉइंटर फंक्शंस के साथ कैसे काम करते हैं पॉइंटर एरेज के साथ कैसे काम करते हैं बहुत सारी चीज़ें देखेंगे मजा आने वाला है तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से प्यारे से एग्जाम्पल के साथ थोड़ी थोड़ी ज़्यादा लगेगी आपको फिर बाद में इंप्लीमेंटेशन स्विच करने वाले हैं ठीक है तो हमने शुरुआत करी हमने बोला पॉइंटर्स हमने बोला पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस ठीक है चलो बिल्कुल बेसिक से है मैंने को पहले बताया हुआ और उसके साथ इसको सीखने की कोशिश करते हैं हमने बोला कि यार इंट नम इज इक्वल टू फाइव आपने ये चीज़ बोली आपको याद है बिहाइंड द सीन कैसे मेमोरी के अंदर कैसे चीजें होती हैं अगर आप ऐसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं ये स्टेटमेंट लिख देते हैं है, है ना तो इसमें आपको क्या पता था अगर एक ना मेमोरी में ब्लॉक बनता है एक ब्लॉक जो है मेमोरी के अंदर बन जाता है इस प्रकार का ठीक है और इसका नाम जो है ना इसका नाम हम रख देते हैं नम और इसकी वैल्यू जो है ना वो वैल्यू फाइव हो जाती है बहुत बढ़िया समझ में आ गया ठीक है तो ये चीज़ तो थी, यह अंडरस्टैंडिंग हमने अब तक लिए पुराने अपने ट्वेंटी फोर लेक्चर्स के अंदर अब बात करते हैं कि असलियत है तो में क्या होता है मतलब मान लो कि आप बोलते हो यार सी आउट नम आपने बोला सी आउट नम ऐसे तो अब कंपाइलर क्या करेगा कंपाइलर मेमोरी को ये थोड़ी बोलेगा यार वो एक डब्बा होगा उसका नाम ना नम है वो डब्बा दे दो मेमोरी के ऊपर कोई ऐसा टैग थोड़ी लगाओगे यार इसका नाम नाम है इसका नाम बब्बर है इसका नाम लव है इसका नाम रमेश है इसका नाम सुरेश है नहीं 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 मेमोरी में ऐसा कुछ नहीं होता मेमोरी में भैया एड्रेस होता है आप मेमोरी को मेमोरी में जाओगे बोलो ये एड्रेस पर जो कंटेंट पढ़े दे दो आपने एड्रेस दिया मैंने बोला ठीक है ठीक है एड्रेस एक्जिस्ट करता है ये लो कॉन्टेंट ले लो ठीक है वो तो बन अभी लेमन टम समझ रहे हैं पर आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या बोला आपने एड्रेस बताया और आपको वो कॉन्टेंट मिल गया आपको अगर कोई चिट्ठी पोस्ट करनी पड़ती तो आप क्या बोलते हो अपना यार ये इस एड्रेस पर चिट्ठी जानी है तो उसी प्रकार आपने अमेरिका बोला कि यार इस एड्रेस पे ये चीज डाल दो या फिर इस से ये चीज इस एड्रेस से ये चीज वापस ले आओ ठीक है तो एज सच इस डब्बे का नाम नम नहीं है इस डब्बे का एक एड्रेस है मैंने बोला इस डब्बे का एड्रेस एक सौ बीस है ठीक है एज्यूम कर रहे हैं तो हमने क्या बोला यार एक सौ बीस एक एड्रेस है ठीक है और उस एड्रेस पर कुछ कॉन्टेंट पड़ा हुआ है वो प्रिंट कर दो ये सुनने में अच्छा लग रहा है पर भैया फिर नम कैसे आएगा मतलब हम तो ऐसे लिखे हैं नम तो फिर नम की और एक सौ बीस की मैपिंग कैसे हो रही है बहुत प्यारा क्वेश्चन तो हम क्या बोलेंगे कि यार मेमोरी के अंदर दोस्त एक चीज होती है सिंबल टेबल एक चीज होती है सिंबल टेबल उस सिंबल टेबल में आपकी मैपिंग स्टोर होती है कैसी मैपिंग कि यार को मैप कर दो 120 से अच्छा तो ये जो नम है ये इस एड्रेस से मैप हो गया और इस एड्रेस पे ये वाला कंटेंट पड़ा हुआ है इस प्रकार आप इसको प्रिंट करा पा रहे थे यहां पर तो हमें समझ में आया तो हमारे पास एक सिंबल टेबल पड़ा होगा जहां पे हमारे जितने भी वेरिएबल नेम हैं वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस से मैप दूंगे कि यार नम जो है वो 120 एड्रेस से मैप किया हुआ है अब जब हम बोलेंगे आके यार सी आउट नम या फिर हम मान लो हम बोलते हैं नम इज इक्वल टू नम प्लस वन ऐसा कि नम में नम प्लस वन डाल दो अब जब हम इसमें ये वाला नम की वैल्यू निकाल के हम तो क्या क्या ये नम कहीं जिस करता है आप लोग एक सौ बीस एड्रेस वहाँ पे डिस्ट करता है फिर आप लोग एक एड्रेस पर जाओ जब एक एड्रेस पे गए वहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा होगा उस ब्लॉक में फाइव पड़ा होगा तो वो फाइव यहाँ पे आ गया तो ये हो गया फाइव प्लस वन सिक्स बहुत बढ़िया तो आपको समझ में आएगा अच्छा तो इस प्रकार की चीजें होती है कि यार जो मेरा वेरिएबल नेम है उसकी एक मैपिंग पड़ी होगी एक सिंबल टेबल के अंदर जो बता रहे हो गया यार नम जो वेरिएबल है ना नम जो वेरिएबल है वो मैप कर रहा है आपके इस एड्रेस के साथ और हमें पता है कि मेमोरी में उस एड्रेस के ऊपर कुछ कंटेंट पड़ा हुआ होगा उस कंटेंट को कर हम यूज करने वाले हैं तो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड पर अवेलेबल अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डोमेन में एंटर किया जाए और एक तगड़ी हाई सी वाली जॉब ग्रैप की जाए सो प्लेटफॉर्म फॉर यू यहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को देख सकते हैं हायर करते हुए जैसे क्रेड वन एम जी मीशो अर्बन कंपनी अपग्राइड तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं लेवल टेस्ट आर कम्पलीटली फ्री इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स और यूनिकॉन्स हैं जो हायर कर रहे हैं एक और नया फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है कि यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए गए हैं ताकि आप मॉक टेस्ट ले पाएं इसलिए रियल टेस्ट देने से पहले और आपको समझ में आ जाएगा ठीक है असली टेस्ट से क्या क्या पूछा जाने वाला है तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ अब तक इन्होंने सात करोड़ प्लस वर्ग जॉब्स प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी है और ये कुछ कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं जो लीडर बोर्ड में बने हुए हैं और फ़ायदा है लीडर बोर्ड का ये कि यार आपको एक्साइटिंग प्राइजे मिलते हैं महंगे महंगे वाले <laughs> अब आप एक जॉब लेना चाहते हैं साथ ही साथ कोई लीडर बोर्ड में रहकर एक्साइटिंग प्राइज भी लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा आपको उस लिंक पर जाके जो कि डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाला है वहाँ पर जाके साइनअप करना पड़ेगा रजिस्टर करना पड़ेगा टेस्ट के लिए और बहुत सारी कैटेगरीज जिनके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये सारी की सारी कैटेगरीज एक नई कैटेगरी यहाँ पर फुल स्टेक डेवलपमेंट की एड हुई है तो रजिस्टर करो जॉब लो और फिर मुझे पार्टी दे देना चलो बाय बाय क्या है समझ में आ रही है ठीक है तो एक बार इस चीज को यहाँ पे लिख के देखते हैं हमने बोला कि यार अगर मैं यहाँ पे बोल सी आउट नम तो पहले कर चुके नया क्या है अभी अभी दिखाते है, अभी दिखाते हैं हैं रन किया उसने प्रिंट करा उसने फाइव प्रिंट, प्रिंट कर दिया ठीक है भैया तो यहाँ पे क्या हुआ हमने पहले क्रिएट किया तो ये जब हमने लाइन नंबर सिक्स लिखी तो यहाँ पे क्या हुआ मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट हो गया जिसके अंदर पांच वैल्यू डल गई उस ब्लॉक का कुछ एड्रेस है मान लेते हैं एड्रेस सौ है तो वो सौ एड्रेस जो है वो नम के साथ मैप कर दिया तो अब जब भी हम नम को प्रिंट कर रहे हैं जैसे लाइन नंबर एट के अंदर तो प्रोसेस अब कुछ इस हिसाब से चलेगा कि पहले आप नम किस एड्रेस से मैप्ड है वो निकालोगे यार नम तो सौ से मैप्ड है सो एड्रेस निकाल लिया फिर हम लोग ये सौ एड्रेस है इस एड्रेस में कुछ कॉन्टेंट पड़ा है, वो कॉन्टेंट दे दोनों तो ये लो एड्रेस फिर सो यार पाँच पड़ा होगा आपका पाँच दे दो इस प्रकार से ये चल रही है ठीक है तो ये चीज मैं समझ में आ चुकी है अब भैया मैं चाहता हूँ कि यार मैंने एक बार नम का एड्रेस देख लूँ आप बार बार सौ बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरा ठीक है दोस्त तो यहां पर एक चीज होती है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एक कमेंट में लिख देते हैं एड्रेस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इससे आप इस नाम का का किसी भी वेरिएबल देख सकते हैं यार कौन से एड्रेस पर ये मैप्ड है है ठीक या फिर कौन से एड्रेस पर आपका कंटेंट पड़ा हुआ है जैसे पे फाइव पड़ा हुआ है तो हमने क्या बोला कैसा दिखता है हमने बोला एड्रेस ऑपरेटर जो होता तो है एम परसेंट इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ठीक है तो अगर मुझे प्रिंट करना हो ऐसे कि यार एड्रेस ऑफ नम इज प्रिंट करते हैं एंड ऑफ नम तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ एड्रेस एड्रेस ऑफ नम तो इसको हम प्रिंट करेंगे तो नम का एड्रेस आ जाएगा दोस्त चला के देखेंगे एक बार रन करते हैं तो देखो ये नम का एड्रेस आ गया ऐसा भयंकर सा भैया आप तो सौ कह रहे थे हमने एज्यूम किया था कि मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा ठीक है तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि यार एड्रेस जो है वो नम का कुछ इस प्रकार का है क्या लिखा हुआ ये जीरो अच्छे से लिखते हैं जीरो एक्स वन सिक्स बी वन वन फाइव एफ फोर एट एट तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको दिया हुआ यार हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपका एड्रेस होता है ठीक है ये बात हमें समझ में आ गई है हेक्साडेसिमल क्या होता है भैया अरे यार सिंपल है ज़ीरो से लेकर नाइन तक और नाइन के बाद ए बी सी डी ई एफ ये समझिए ये चीज़ें आपने अपने हिसाब से अकेडमिक्स में ही करिकुलम अच्चार्णिक, में ही आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ ली होगी अच्छी मजा अच्छी चीज है आपने अपना अपने बुलेट्रॉक टेक्चर पढ़ोगे तो आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ठीक है तो हमें समझ में आ गया कि यार मुझे अपने नम का अगर एड्रेस देखना हो तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा मेरे पास ऑपरेटर पड़ा हुआ ऑलरेडी जिसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर उसको मैं लगा दूंगा तो ये पूरा कैसे साउंड करने वाला ये यार हो योग एड्रेस ऑफ योग नम तो नम का एड्रेस दे दो भैया ठीक है अब पिक्चर में आता है पॉइंटर अब आपके पिक्चर में क्या आया पॉइंटर तो भैया पॉइंटर की नीड क्या है तो जो इस टाइप का डेटा है ठीक है जो इस टाइप का डेटा है यानी एड्रेस एड्रेस को स्टोर करने का काम आपका पॉइंटर करता है ठीक है पॉइंटर क्या करेगा आपका स्टोर कर लेगा एड्रेस कैसे चलो लिख के दिखाते हैं हमने आपको क्या बोला यहां पे हमने बोला दोस्त के यार इंट स्टार पी टी आर इज़ इक्वल्स टू एंड ऑफ आई क्या हुआ भैया तो हमने यहां पे क्या हुआ हमने एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया हमने एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया और इसके अंदर ये एड्रेस डाल दिया समझ में आई बात हमने एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया और उसके अंदर ये एड्रेस डाल दिया थोड़ा आसान सा आसान भाषा में इसको समझे तो क्या होगा समझते हैं तो हमने जब लिखा यार हमने, लिखा, यार, हमने लिखा क्या था हमने लिखा था एंट स्टार पी टी आर इजिकल्स टू एंड ऑफ आई तो मान लेते हैं कि आपका ये जो ब्लॉक है इसका नाम है आई और आई में मान लेते हैं कि फाइव पड़ा हुआ है ठीक है अब जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो क्या होता है वो वो देखते हैं एक बार जब हमने ये स्टेटमेंट लिख दी तो यहाँ पे क्या हुआ एक डब्बा पड़ा हुआ है हमने पहले मान लिया इसका एड्रेस मान लो एक है हमने क्या बोला कि एक डब्बा बना हुआ यार और इस डब्बे का जो नाम है वो है पी ठीक है ये मेमोरी में एक ब्लॉक है जिसका नाम पी है और इसका कुछ भी एड्रेस होगा मान लो इसका एड्रेस आपका जीरो एट जीरो ऐसा कुछ भी इस डब्बे के अंदर क्या पड़ा होगा इस डब्बे के अंदर आपका आई का एड्रेस पड़ा होगा आई का एड्रेस है एक सौ बीस तो इसमें एक सौ बीस पड़ा हुआ है समझे इस बात को तो पी टी आर वाले ब्लॉक के अंदर एक सौ बीस पड़ा हुआ है यानी कि आई का एड्रेस पड़ा हुआ है तो मैंने क्या बोला जब मैं इस प्रकार लिखता हूँ कि एंड स्टार पी टी आर तो यहाँ पर क्या हुआ एक पॉइंटर मैंने डिक्लेयर कर दिया एक पॉइंटर डिकलेयर कर दिया जो कि कहीं भी पॉइंट कर रहा हो सकता है क्या मतलब इस बात का कि यार एक डब्बा होगा पी और उसके अंदर कुछ भी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है मुझे नहीं पता क्या है मुझे नहीं पता वो क्या है और कभी ज़िंदगी में ये चीज़ मत करना यार ये बहुत ही गंदी बहुत ही बैड प्रैक्टिस होती है बहुत ही रिस्की प्रैक्टिस होती है इसका मतलब है कि आपने कोई अननोन मेमोरी में अपना पॉइंटर पॉइंट करवा दिया है अब इस पॉइंटर के द्वारा आप उसको मॉडिफाई अपडेट डिलीट वगैरह कुछ भी आप कर सकते हो ठीक है तो एक ऐसी मेमोरी जो शायद आपके प्रोग्राम की मेमोरी भी नहीं है आप उसको चेंज करने जा रहे हो कितनी खतरनाक चीज है समझ सकते हैं तो एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस है इसको हमेशा अपने को कभी नहीं करना मतलब समझ गए इस बात को ये नहीं करना कभी भी नहीं करना ऐसे हमेशा इसको इनिशलाइज कर दो अगर मान लो किसी कोई वैल्यू नहीं आपको करने के कर तो बस जीरो से कर दो ठीक है नल पॉइंटर हो जाएगा वो ठीक है तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि ठीक है भैया आपने ये वाली बात बोली ये तो समझ में आ गया हमें बहुत बढ़िया अब हम चलते हैं वापस यहां पे तो हम जब लिखते हैं कि यार इंट स्टार टू एंड ऑफ नम तो इसका क्या मतलब होता है कि एक डब्बा होगा पी जिसके अंदर ये एक डब्बा है एक और है हैम के अंदर कुछ वैल्यू पड़ी है मान लो फाइव पड़ा हुआ है नम का एड्रेस मान लो सौ है तो जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी तो इसमें क्या हुआ कि यार आपका पॉइंटर जो पिया है ना उसके अंदर यहाँ पे एड्रेस स्टोर हो गए सौ ठीक है तो अब इसको ये बात हमें समझ में कि नहीं यहाँ पहले समझते हैं ठीक है देखा? तो यहाँ पे हम जब ये स्टेटमेंट लिख देते हैं तो हमें समझ में आ गया एक डब्बा है नम उसके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी है पांच मान लेते हैं स्टार्टिंग में आपने कहीं पैसे लिखा हो इंड नम इज फाइव तो इस स्टेटमेंट से ये चीज तो हो ही गई होगी फिर आपने एंड ऑफ नाम लिखा एंड ऑफ नाम इज्वल टू सॉ तो आपने ये पॉइंटर क्रिएट किया इस पॉइंट को क्रिएट करके इसके अंदर ये एड्रेस सॉ डाल दिया बहुत बढ़िया ठीक है तो इन शॉर्ट आपके इस डब्बे को एक तो नम भी पॉइंट कर रहा है और एक आपका पी जो है वो भी इसी एड्रेस को ही पॉइंट कर रहा है दोनों चीज़ें इसी को ही पॉइंट कर रही है ठीक है अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि नम इज इक्वल्स टू नम प्लस वन तो भी उस केस में ये डब्बा छः बन जाएगा या फिर मगर मैं इसको लिख दूँ स्टार ऑफ पी प्लस प्लस तो भी उस केस में डब्बा छः ही हो जाएगा ठीक है ये क्या होता है अभी समझेंगे सब समय सम्झें के साथ साथ आपको समझाते हैं अभी हमें ये समझ में आई कि नहीं आई है कि एक पॉइंटर का काम क्या था भाई उसने एड्रेस स्टोर करना था ठीक है तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया था यार इंट नम इज़ इक्वल टू फाइव ये वेरिएबल बनाया था इसको बनाने के बाद एक डब्बा बन गया था जिसको हम नम से दर्शा रहे थे जिसका एड्रेस सौ था और इसके अंदर पाँच पड़ा हुआ है ये अज्यूम करा हमने सौ अब हम ऐसे लिखेंगे कि यार int star p इज इक्ल्स टू एंड नम तो इस केस में क्या होता है एक और डब्बा बनता है और उसके अंदर न्दरे इस नम का एड्रेस जो कि सौ है वो स्टोर हो जाता है इसका मतलब क्या है अगर इन दोनों को मिला दिया तो क्या मतलब इस बात का इसका मतलब ये है कि एक डब्बा है जिसके अंदर पाँच पड़ा हुआ है और नम को यूज़ करेंगे तो भी इसी डब्बे को पॉइंट कर रहे होंगे और अपन जो पी है हमारा उसको यूज़ करेंगे तो भी इसी डब्बे को पॉइंट कर रहे होंगे कोड में कैसे करना है भी समझा देंगे बटे मेरी समझ में आई बात तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए तब जाके हमें चीज़ें थोड़ी आगे और अच्छे से क्लियर होने वाली है एक पॉइंटर जो एड्रेस स्टोर करता है और किस प्रकार हम उसको डिक्लेयर करते हैं वो दिखा दिया और किस प्रकार हम उसको इनिशलाइज कर सकते हैं हमने आपको वो भी दिखा लिया ठीक है तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको इतनी चीज़ समझ में आ चुकी होगी अगर नहीं समझ में आ रही भाई साहब रुक जाओ आराम से शांति दोबारा रिपीट मार के वीडियो देखो समझ में आ जाएगा मैं हमेशा हर चीज़ को दो दो तीन तीन बार समझाता हूँ के ताकि कोई बच्चा अगर पीछे रह जाए तो उसको समझ में आ जाए और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है अब हमने क्या बोला ठीक है अब हमने बोला कि भैया ठीक है समझ में तो आ रहा है मतलब, तो मतलब, मतलब वही मैं समझ गया न, ये है इसको नम बोलता हूं इस का हो है, और यहां पांच पड़ा हुआ है तो ये जो है बेसिकली सो को कर, मतलब सो ही है ये और कुछ नहीं है बट यार ये वाली चीज ना क्लियर नहीं हुई है भैया मैंने बोला पहली चीज तो आपका पॉइंटर क्रिएट करने का जो पहली चीज है वो आपका टाइप है कि कौन से टाइप का डेटा इसको पॉइंट कर रहा है समझते हैं हमने जब बोला int स्टार पी तो उसने क्या बोला इसका मतलब क्या हुआ पी इज स्टार लगा हुआ पॉइंटर टू इंट समझ में आई कि पी जब आपका एक पॉइंटर है 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 वो जो आपका एक पॉइंटर है टू इंट डेटा टाइप तो जो भी डेटा आपका राइट साइड पड़ा होगा ना जैसे नम हमें पता शुरू में इंट नम इज इक्वल टू फाइव था जो भी आपका राइट साइड में पड़ा उसका हमेशा ध्यान रहे उसी टाइप का आपको पॉइंटर बनाना है मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर बनाया था एक करेक्टर करेक्टर सी एच इज इक्वल टू ऐसा तो अब अब अगर मुझे एक पॉइंटर बनाना है जो कि इस करेक्टर वाले डब्बे को पॉइंट कर रहा हो जो कि सी एच वाले डब्बे को पॉइंट कर रहा हो तो मैं कैसे बनाऊंगा मैं लिखूंगा कैर स्टार पी इज इक्वल टू एम परसेंट ऑफ सी एच समझ में आई बात इसका मतलब ये जो टाइप मैं यूज कर रहा हूं ये हमेशा उसी के इक्वल होगा जो कि यहाँ पे हम टाइप यूज कर रहे होंगे है ना सी एच हमारा कैर था तो हमारा पॉइंटर भी कैर टाइप के बनेगा अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भैया डबल डी इज इक्वल्स टू फोर पॉइंट टू ऐसा तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंटर बनाता हूँ तो वो इसी प्रकार बनाना पड़ेगा कि यार डबल स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू परसेंट ऑफ टी एड्रेस ऑफ टी समझ में आ गया बात अब भैया अच्छा क्लियर हो गया मज़ा आ गया ठीक है तो टाइप समझ में आ चुका है और इस लाइन को पढ़ते कैसे मैंने बता दिया कि मैंने इसको कैसे पढ़ना है पी टी आर इज अ स्टार लगा हुआ है पॉइंटर और ये डबल है टू डबल बहुत बढ़िया आगे आपको पॉइंटर पढ़ना ठीक है अब इसको थोड़ा बहुत तो और अच्छे से समझते हैं भैया स्टार का मतलब क्या है या फिर इसको हम हम बोलते हैं कि भैया अगर मुझे इस इसको एक्सेस करना हो कि मान लेते हैं नम तो मुझे पता था कि यार नम इज इक्वल टू फाइव है तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना हो तो मैं क्या लिखता मैं लिख देता यार सी आउट नम मुझे प्रिंट करना होता था बिल्कुल ठीक बात है बट जब मैं ये लिख देता हूं इन स्टार पी इज इक्वल टू एंड नम अब मुझे अगर वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा बहुत बहुत आसान है मैं सी आउट स्टार ये स्टार है यहाँ पे ये यह आपका डी रेफरेंस ऑपरेटर है क्या है ये डी रेफरेंस डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या मतलब है इस बात का इस बात का मतलब ये है कि स्टार क्या करेगा पी के अंदर हमें पता है पी के अंदर हमें पता है ऊपर जाके देखा था हमने अभी कि पी के अंदर जो है कोई एड्रेस सेव्ड है है ना उसकी वैल्यू बता दो स्टार तो पी का मतलब क्या है वैल्यू एट एड्रेस बाय पी तो पी पे कौन सा एड्रेस है सो और सौ पे कौन सी वैल्यू है पांच तो स्टार बी हमें क्या देने वाला है स्टार बी हमें पांच देने वाला है समझ इस बात को हम अगर मैं यहाँ पे आग ले स्टार पी तो यहाँ पे क्या होगा यार मान लो इस सीरीज में डब इसका मान लो एक एड्रेस है तो पी पी जो डब्बा बना होगा उसका एक सौ दस पड़ा होगा अब अगर मैं स्टार पी बोलूँ तो स्टार पी क्या होगा कि यार इस एड्रेस पर तो जो वैल्यू पढ़िए एक सौ दस पी का एड्रेस है वैल्यू पड़ी है ए तो मैंने बोला आंसर क्या आ गया ए सेम इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे स्टार पी टी आर करूँ तो वो क्या देगा हमें फोर पॉइंट टू देगा समझ में आ गई बात हमें तो भले ही मैं यहाँ पे नम प्रिंट करूँ या फिर मैं स्टार पी प्रिंट करूँ दोनों चीज़ें हमें सेम वैल्यू देने वाले हैं दोनों चीज़ें हमें सेम वैल्यू देने वाले हैं एक और चीज़ यहाँ पे हम कन्फ्यूज होते हैं बार बार तो देखो एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं कि यार हमने जब वेरिएबल्स पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था वेरिएबल फंक्शन के बारे में कि यहाँ पे एक वेरिएबल मान लो ए बना पड़ा है हमने एक फंक्शन है और कॉल किया उसमें एक वजह से पैरामीटर डाल के तो यहाँ पर जो ए होगा ये वाला ए और ये वाला ए जो है डिफरेंट होंगे हमने आपको क्या बोला था ये जो सेकेंड वाला ए है जिससे फंक्शन कॉल गई हुई है ये वाला जो ए है ये कॉपी है किसकी कॉपी है इस वाले ए की ठीक है तो दो डिफरेंट ए है एक ये वाला ए है जो कि मेन फंक्शन का है और एक ये वाला ये है जो कि इस वाले फंक्शन का है ठीक है इसके अंदर पाँच पड़ा है इसके अंदर पाँच पड़ा है ठीक है अगर हम इस वाले को बढ़ा दें यानी ये अगर छः हो जाए तो भैया इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये वैसे का वैसे रहने वाला है समझ गए तो इस बात को हम कॉप क्या हमने पढ़ा था कि यार कॉल बाय वैल्यू हमने पढ़ा था ना इस चीज़ के बारे में ठीक है अब अगर मैं पॉइंटर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको क्या बोला हुआ है मैंने आपको बोला कि यार ये एक वैल्यू जहाँ पाँच पड़ा हुआ है इसी को नम भी दर्शा रहा है और इसी को आपका जो आपका पॉइंटर है वो भी दर्शा रहा है ठीक है तो इन केस इन केस में अगर नम को प्लस प्लस कर दू तो भैया ये वैल्यू छ हो जाएगी अगर मैं मान लो स्टार पी कर देता तो भी ये वैल्यू छ ही प्रिंट होगी समझ गए क्योंकि पीटीआर में क्या वैल्यू पड़ी है क्योंकि पीटीआर में क्या वैल्यू पड़ी है? वो देखते हैं कि यार पीटीआर एक डब्बा है उसके अंदर ना इसका एड्रेस पड़ा मान लो एक सौ दस है एक सौ दस तो पीटीआर स्टार पीटीआर आपने बोला तो क्या एक सौ दस पे वैल्यू पड़ी वो बता दे भाई आप इसको पहले छे से इंक्रीमेंट कर चुके हो आप एक सौ दस पे बोला क्या वैल्यू पड़ी है छे आपने प्रिंट कर दिया ठीक है नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं अच्छे समझ में आ जाएगा अभी करेंगे करें टेंशन मतलब ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं सबसे पहले क्रिएट करते हैं हमने बोला कि यार पॉइंटर हमने बोला सिंपल सी बात है वैल्यू वैल्यू कैसे बताते हैं हम डी रेफरेंस ऑपरेटर उसके बाद पीटीआर है, हमने चलाया वैल्यू इज फाइव सही आ रहा है भैया अगर मैंने यहां मतलब स्टार नहीं लगा तो तो क्या प्रिंट होता अगर आप स्टार नहीं लगाओगे तो देखते हैं क्या प्रिंट होता तो अगर आपने बोला कि यार सीधा सीधा सी आउट पी एंड एल अरे यार पी वाले डबे में क्या स्टोर है पी मतलब एड्रेस स्टोर है तो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा समझ आई बात हमें हमने लिखा इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू नम

तो जो पी टी वाले डब्बे के अंदर वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करके दो सिंपल है इसको मैंने बोल दिया एड्रेस चेक कर लेते हैं वेरीफाई कर लेते हैं देखा तो यानी पी वाले डब्बे में आपका एड्रेस पड़ा हुआ है और अगर मैं स्टार पी कर देता हूँ तो उस एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी है वो मैंने प्रिंट कर दिया बहुत बढ़िया नहीं समझ में आया अभी तो एक लास्ट बार समझाता हूँ आप समझ में आ जाएगा दोबारा देखो हमने क्या बोला बहुत प्यारी चीज है कुछ खास मुश्किल नहीं है हमने क्या बोला कि यार इंट स्टार पी क्या मतलब है एक पॉइंटर बना दो जो कि इंट वैल्यू को पॉइंट करेगा एक पॉइंटर बना दो जो कि इंट वैल्यू को पॉइंट करेगा हमने बोला एम परसेंट ऑफ नम नम कहाँ से एग्जिस्ट कर गया मैंने शुरू में बोल रखा कि इंट नम इज इक्वल टू फाइव इसका मतलब क्या है जब ये स्टेटमेंट लिखी होगी तो ऐसा हुआ कुछ हुआ होगा एक डब्बा बनेगा जिसका कुछ एड्रेस है एक हजार एक मान लो इसका नाम मैंने रख दिया नम और इसमें पांच पड़ा हुआ है डन है ये चीज हो गई अब जब मैंने ये वाली लाइन लिखी तो क्या हुआ सबसे पहले एक पीटीआर का डब्बा क्रिएट होगा पीटीआर का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया और आपने क्या बोला यार पी टी आर ये पॉइंटर जो है इसमें नम का एड्रेस दे दो तो यानी पी टी वाले डब्बे के अंदर नम का एड्रेस जो कि ये है एक हजार एक है वो दे दो तो यहाँ पे एक हज़ार एक आ गया अब दो चीज़ें हैं पहली चीज सीआउट पी टी आपने सिर्फ पी लिख दिया तो इस केस में क्या हुआ पी टी आर डब्बे के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा है वो दे दो पीटीआर वाले डब्बे में क्या पड़ा वन जीरो जीरो वन पड़ा आंसर क्या आ गया वन डबल जीरो वन बहुत बढ़िया दूसरा केस सी आउट स्टार पी टी आर एंड इसका क्या मतलब है कि यार जो पी टी आर डब्बे में एड्रेस पड़ा है ना उस एड्रेस की वैल्यू बता दो तो पी टी वाले डब्बे में एड्रेस है और इस एड्रेस की वैल्यू है पाँच पी टी वाले डब्बे में कोई एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस की वैल्यू बता दो ये पी टी आर ये एड्रेस ये एड्रेस और ये वैल्यू तो इसका आंसर क्या आ गया इसका आंसर भैया फाइव आ गया बहुत बढ़िया तो अब आपको एक चीज़ समझ में अच्छा भैया पहले बताए थे आसानी से ठीक है तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई बिल्कुल अभी नॉर्मल वाला पॉइंट देख रहे हैं मल्टी लेवल पर जाएंगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग दोस्त आराम से लेंगे आराम से लेंगे ठीक है बाकी हमने ये भी सीख लिया कि हम अलग अलग टाइप के पॉइंट बनाने तो बना सकते हैं कि मान लो मैंने पे बना दिया ए आर डबल डी इज इक्वल्स टू फोर पॉइंट टू या थ्री अब मैंने एक पॉइंट बनाया डबल टाइप का डबल स्टार पी टू इज इक्वल्स टू मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला एंड ऑफ जो भी आपके वेरिएबल नाम है डी बहुत बढ़िया मैंने बोला सी आउट मैंने यही वाला ऊपर वाला छाप दिया और इसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया बस यहाँ मैंने इसका नाम चेंज कर दिया मैंने बोला पी टू ठीक है इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार अब रन करता हूँ क्या समझ में आता है कि भैया ये देखो अच्छा देखो एड्रेस अलग बन गया और इस एड्रेस वैल्यू फोर पॉइंट थ्री पड़ गया तो इस प्रकार में डबल टाइप का पॉइंटर बना लिया अच्छे समझ में आ गया अब ठीक है अगले टाइप का पॉइंटर आपने बना लिया अब बात करते हैं भैया इसका साइज़ क्या है मतलब इंट का तो मुझे पता था कि इंट वाला जटबा होगा उसमें तो मुझे चार बाइट अलाट हुई होगी है ना तो मैंने आपको बोला गया तो यार साइज देखना है वेरीफाई करना है तो कर ले तो ये मैंने वो बताया था ना साइज ऑफ वाले फंक्शन के बारे में वो प्रिंट कर ले तो यहां पे आपने लिखा यार साइज ऑफ इंटीजर इज यहां पे मैंने फंक्शन बता रखा आपको साइज ऑफ इसमें आपने क्या डाल दिया नम डाल दिया इससे इंटीजर का साइज आपका आ गया फिर आपने पे पॉइंटर का साइज प्रिंट करने के लिए देखा यार पॉइंटर में देखते हैं क्या होता है साइज ऑफ पॉइंटर इज ठीक है चलाते हैं क्या समझ में आया कि इंटीरियर का साइज तो चार बाइट दे रहा है और जो पॉइंटर है वो आठ बाइट का है क्यों क्योंकि दो पॉइंटर के अंदर जो आपका जो पी पीटीआर है इसके अंदर आपका एड्रेस स्टोर हो रहा है ऐसे ये भी सिस्टम डिपेंडेंट होता है कहीं पे चार चला सकता है पर मेजोरिटी केसेस में आपका आठ आने वाला है समझ में आई तो अब एक चीज और आपको दर्शाते हैं यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगी कि यार इंटीजर केस में चलो ठीक है यहाँ पे जो पीटीआर था ये पीटीआर तो इस ये वाला था ना इंटीजर वाला तो मान लेते हैं इसमें आठ आ गया अब ये डबल वाला इसमें क्या आएगा मैंने कहा दोस्त तो प्रिंट करके देख लेते हैं पी टू रन करो तो आठ आ गया बहुत बढ़िया तो दोस्त चाहे डबल हो चाहे करेक्टर हो चाहे इंटीजर हो हर केस में आपका पॉइंटर तो एड्रेस स्टोर करेगा हर ही केस में कोई भी टाइप का डेटा पढ़ाओ आपका पॉइंटर तो हमेशा एड्रेस स्टोर करने वाला है तो इसलिए आपके पॉइंटर का साइज हमेशा ही आठ आने वाला है हमेशा ही आठ आने वाला है इसी को का हमेशा ध्यान रखना एम सी में काम आएगी ये चीज कि किसी भी टाइप का डेटा हो कैरेक्टर हो डबल हो फ्लोट हो स्ट्रिंग हो इंटीजर हो आपका पॉइंटर सिर्फ एड्रेस स्टोर करेगा अपने पास आठ वाइट साइज डन है तो ये चीज हमको समझ में आ चुकी है मैंने क्या बोला कि अभी यार थोड़ी सी ना ऐसा ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस कम सी है थोड़ी और प्रैक्टिस करें कुछ भी नहीं करना खेलना है सिर्फ इसके साथ देखते हैं क्या क्या होगा ठीक है इसको मैंने क्लियर कर दिया इसको मैंने हटा दिया मैंने बोला कि शुरू से करते हैं मैंने बोला एक पॉइंटर बनाओ int स्टार पी एसीव कर दो ये भैया आपने बताया था कि गलत चीजें नहीं करनी चाहिए इस केस में क्या होगा? एक पॉइंटर बन गया एंड पॉइंटिंग टू गार्बेज एड्रेस किसी ऐसे एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जो हम भी नहीं जानते कुछ भी हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है मान लो कोई ऐसी मेमोरी सिस्टम में जो किसी रीड ऑनली है जहाँ पर आप चाहते ही नहीं अपडेट करना बट अगर आपका ऐसा पॉइंटर क्रिएट हो गया तो भैया ये तो हालत ख़राब कर देगा तो ये चीज़ हमें कभी नहीं करनी है बैड प्रैक्टिस है ये ठीक है मान लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो डेटा ना उसको प्रिंट करते हैं मैंने बोला सी आउट स्टार पी रन करते हैं कुछ अजीब सी वैल्यू आ गई ठीक है हमें नहीं पता कैसे आइए ठीक है तो ये चीज़ हमें कभी नहीं करनी तो इसे अच्छा हम ये कर लेंगे इसे अच्छा हमेशा क्या 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 कर लेंगे जब भी हमें नहीं पता किस कहाँ पॉइंट कराना है जीरो से जीरो स्टार्ट कर लिया हमने नल डाल दी शुरू में ठीक है अब हमने करा तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया तो जीरो का मतलब क्या है कि यार ऐसी कोई मेमरी एक्जिस्ट नहीं करती है तो जो मेमरी एक्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर क्या हुआ आपने एक पॉइंटर बनाया एक ऐसी मेमरी को पॉइंट कराया जो एक्जिस्ट नहीं करती है ही नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं तो अब यहाँ पे जब आपने उसको एक्सेस करने की कोशिश करी आपने स्टार पर प्रिंट करने की कोशिश करी तो मेमरी देखने की नंबर बुला रहे दोस्त ऐसा कुछ एक्सटेंड करता उसने बोला सेगमेंटेशन फॉल्ट ठीक है तो ये हम चाहते थे यही हुआ है जीरो का मतलब आपने नल को पॉइंट करा दिया अपना पॉइंटर नल नाम की मेमोरी एक्जिस्ट नहीं करती है आपने एक्सेस करने की कोशिश करी आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया तो जब भी आप किसी नल मेमोरी को एक्सेस मतलब कोई ऐसा पॉइंटर होगा जो कि नल को पॉइंट कर रहा होगा और उसका एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो भैया सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा आपका हमेशा डा है समझ में आ आगे चीज बहुत बढ़िया और क्या कर सकते हैं और खेलने की कोशिश करते हैं अब मान लेते हैं हमने कुछ इस प्रकार की चीजें करी हमने क्या बोला हमने बोला यार तो ये तो हमने कर लिया आप कुछ अलग करते हैं मैंने बोला यार int एंट p फिजिकल टू एंड ऑफ आई और मैंने बोला कि आई जो है वो स्टार्टिंग मान लो फाइव है ठीक है तो भैया ये तो हम चीज़ें कर चुके हैं अगर यहाँ पे मैं आके लिख दूंगा कि मैंने यहाँ पे आके बोला अगर सी आउट पी प्रिंट कर दूंगा तो बस पी जो जो आई का एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा अगर स्टार पे प्रिंट करूंगा तो आई की वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी ये तो हम देख चुके हैं मान लेते हैं हमने ये देख लिया हमें किसी और तरीके से करना है तो मैंने बोला कि मान लो स्टार्टिंग में हमारा जो पॉइंटर है वो हमने नल को पॉइंट करा दिया स्टार फिजिकल टू जीरो ठीक है पर अब मेरा मन कर रहा है है इसको इसको पॉइंट कैसे कराऊंगा मैं मैं लिखूंगा बढ़िया बोलता हूं। या फिर आप आप बोल सकते हैं ठीक है? नहीं बोलना चाहिए ऑपरेटर ही बोलना चाहिए। इतना है? आपने जो ये दो लाइन में लिखा है या फिर आपने जो ये एक लिखा है एग्जैक्टली पी प्रिंट करा दिया तो पहले वाले केस में एड्रेस प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे एड्रेस प्रिंट होना चाहिए और यहाँ मेरा एक जो वैल्यू है दैट जो कि फाइव है वो प्रिंट होनी चाहिए मैंने रन कर दिया क्लियर करके एक बार मैंने इसको क्लियर कर दिया और मैंने रन कर दिया देखो पहले एड्रेस आ गया और फिर मेरी वैल्यू आ गई इस प्रकार वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ जिसका नाम अलग कर देता है मैंने लिख क्यू और अब मैंने सेम चीज़ जो है वो आप क्यू के साथ कर ली और एड्रेस जो डेटा है उसको मैच कर लेंगे हम लिखा क्यू हमने लिखा क्यू अब हमने कहा एक पॉइंटर बनाया इस, इस वाले वे में एक पॉइंटर बनाया इस वाले वे में और दोनों तो की सेम चीज़ें प्रिंट कर दिया एक बार चला के देखते हैं रन कर दिया और uh, रिटर्न क्या कर दिया कुछ गड़बड़ कर दी देखो एक बार का कुछ गलत नहीं कर दिया अच्छा वो सिलेक्ट कर रखा हुआ इसलिए अब चलाओ देखो एग्जैक्टली सेम डेटा आ रहा है तो हम अपना पॉइंटर चाहे इस प्रकार इनिशियलाइज करें या फिर हम इस प्रकार इनिशियलाइज करें दोनों ही केस में सेम है मैं क्यों समझा रहा हूँ क्या फ़ायदा होगा दोस्त यार एमसीक्यूज आएंगे आपके कोडिंग टेस्ट में ऑनलाइन असेसमेंट में और वहां पे अगर मान लो ये फॉर्मे आपको आता है और ये फॉर्म आपको पता ही नहीं था कि बाद में कैसे इनिशियलाइज करते करता आप फंस जाओगे आप लोग ये समझ ही नहीं आ रहा आप तो वहाँ पे भी ऐसे लिखोगे ना आप वहाँ पे जाए लिख दो कैसे कि यार स्टार पे इगल टू एंड ये तो बताया था भैया ने फंस जाओगे ऐसे नहीं करना डन है तो ये दो तरीके हैं ये दोनों चीज आपने देख ली आपको समझ में आ चुका है कि ठीक है ऐसा ऐसा कुछ करना है अपने को ठीक है तो ये चीज आपको समझ में अब तक आ गई होगी अब आगे चलते हैं थोड़ी चीजें आपको और समझाते हैं आगे चलते हैं अब हमने क्या किया uh, एक नंबर है नम इजिक्वल टू मैं फ़ाइव से ही खेलूँगा बस फाइव अब मैंने क्या बोला इंट ए इज इक्वल्स टू नम ए को मैंने प्लस प्लस कर दिया अब मान लो मैंने अपना नम प्रिंट करा लिया तो इस केस में क्या होगा नम मेरा फाइव था नम को मैंने एक वेरिएबल में डाला कॉपी कर लिया उस वेरिएबल पर मैंने इंक्रमेंट कर दिया क्या मेरे नम पे यहाँ पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा समझते हैं इस चीज़ को एक बार हुआ क्या कि पहले एक डब्बा था इसका नाम था हुआ ये कि एक नब्बा था उसका नाम था नम और उसके अंदर फाइव पड़ा था फिर मैंने एक और डब्बा क्रिएट किया इसका नाम है ए और उसमें नम की वैल्यू डाल दी यहाँ पे फाइव आ गया अब मैंने बोला ए प्लस प्लस तो ये ऐसा हो गया यहाँ पे छ हो गया अब मैंने अगर नम को प्रिंट कर दिया तो क्या होगा अरे नम में तो फाइव पड़ा है वो तो वैसे वैसे ही रहेगा सेम ठीक है अब अगर मान लो मैं इसका उल्टा ले चलो मैंने बोला कि यार इन स्टार ऑफ पी इससे पहले मान लो मैंने स्टार ऑफ पी जो है उसको रिशलाइज कर रखा हो नम से अब मैं ए प्लस प्लस कर दूँ अब क्या होगा देखते हैं हमारा एक डब्बा है नम इसके अंदर फाइव पड़ा हुआ है इसका एड्रेस है सौ फिर हमारा स्टार पी वाला काम हुआ पड़ा है इस एक डब्बा है पी इसके अंदर सौ पड़ा हुआ है ठीक है जो बेसिकली इसी को पॉइंट कर रहा है फिर हमने एक डब्बा बनाया ए जिसके अंदर स्टार पी डाला है स्टार पी का मतलब इस एड्रेस पर वैल्यू पड़ी है जो वैल्यू क्या है फाइव तो ए के अंदर फाइव डल गया अब मैंने बोला ए प्लस प्लस तो ये क्या हो गया दोस्त ये छः हो गया अब मैंने बोला क्या फ़र्क पड़ेगा मैंने बोला नम को प्रिंट करना अरे दोस्त वो तो भी फाइव ही है अभी कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये चीज आपको समझ में आएगी ठीक है मैं किसी और नंबर में कॉपी करके इनकीमेंट करूँ डिकिमेंट करूँ मल्टीपाइड कुछ मर्जी कर अपडेट करूँ मॉडिफाई करो डिलीट करूँ जो मर्जी करो फर्क नहीं पड़ता बट अगर मैं इस प्रकार इस चीज़ को कर दूं अगर मैं इस चीज को इस प्रकार कर दूं कि यार इंट स्टार पी इज इक्वल टू एंड नम पॉइंट हो गया क्या हुआ एक नम है उसका एड्रेस सौ है उसके अंदर फाइव पड़ा है एक पी है उसके अंदर सौ पड़ा हुआ है इसी को पॉइंट कर रहा है ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी स्टार ऑफ पी प्लस प्लस क्या होगा इससे स्टार पी का मतलब ये वाली वैल्यू प्लस प्लस मतलब बढ़ा दो तो पी इज पॉइंटिंग टू ये वाला डब्बा जो कि नम वाला डब्बा है इसको मैंने बोला इंक्रीमेंट कर दो तो अब जब ये वाली शब्द एग्जीक्यूट होगी तो आपका श्टेव, अगला स्टेज क्या बन जाएगा पी जो जा है वो सौ को मैंट कर रहा है ये डब्बा है ये नम है इसका एड्रेस सौ है ये इसको पॉइंट कर रहा है वैल्यू आपकी बढ़ गई छः तो इनिशियल स्टेट आपकी ये थी दोस्त फिर आप ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट करते हो और आपकी स्टेज फिर ये हो जाती है समझ गए इस चीज़ को आप बहुत बढ़िया तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी यार अगर मैं स्टार पी जिगल टू ऐसा कुछ कर दूँ स्टार पी जिगल टू स्टार पी मल्टीप्लाई टू स्टार पी का मतलब होता है पाँच है ना ये ऊपर हमने देखा भी पाँच था स्टार्टिंग वाले में दो दस तो यहाँ पर आपका दस आ जाता समझो इस प्रकार ये चीज़ें चलती हैं आपको समझ में आ चुकी होंगी अच्छे से क्योंकि मैंने सेम चीज़ बहुत बार रिपीट कर दी अब तक तो इसको एक बार लिख के देख लेते हैं मैंने क्या बोला आपको मैंने बोला कि यार इन टू इन स्टार पी इज टू मैंने बोला कि यार स्टार पी प्लस प्लस इसको मैंने बढ़ा दिया अब मैंने बोला इससे पहले एक बार नंबर प्रिंट कर लो और इसके बाद नंबर प्रिंट कर लो एक बार पहले एक बार बाद ठीक है इस प्रकार आपने इजिज कर दिया मैंने क्लियर कर दिया उसको मैंने बोल रन कर देखो बिफोर थी वैल्यू फाइव नम की नम की वैल्यू पहले थी फाइव प्लस प्लस कर दिया स्टार पी का मतलब क्या है स्टार स्टारपी का मतलब है वैल्यू वैल्यू क्या है फाइव आपने वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया इंक्रीमेंट कर दिया फाइव होकर छे बन गए तो आफ्टर में जब आपने नम प्रिंट करा तो छे बन जाएगी बहुत बढ़िया समझ गए इस चीज को हम अगर यही सेम चीज मैं यहाँ पे कर दू कि मान लो मैंने इसको यहां प्रिंट कर दिया बिफोर मैंने इसको यहीं पर प्रिंट कर दिया आफ्टर ठीक है इसको मैं ए लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अब मैंने इसको रन कर दिया तो देखो इस केस में ए वाले केस में सिंपल फाइव और फाइव ही आ रहा है और हमारे ये वाले केस में पॉइंटर वाले केस में पहले फाइव था और ये सिक्स था इसका मतलब क्या है पॉइंटर आप जब पॉइंट कराते हैं तो अलग कॉपी नहीं बनती है कॉपी नहीं बनती है आप बस सेम ही वैल्यू को इंडिकेट कर रहे होते हैं अगर ये एक डब्बा है जहाँ फाइव पड़ा तो आप नम से भी इसी को इंडिकेट कर रहे हैं और आप अपने पॉइंटर से भी इसी को ही इंडिकेट कर रहे हैं तो एक्चुअल में आपकी मेमोरीज है वो एक ही बार है आप उसी के साथ सारे गेम खेल रहे होंगे बहुत बढ़िया ठीक है अब आपने बोला भैया ठीक है मुझे इस पॉइंटर को किसी और पॉइंटर पर कॉपी करना है कैसे करेंगे मैंने बोला दोस्त बहुत जाना है।, है तो अब तो 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 हमने बोला कि हमें एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर में कॉपी करना है मैंने बोला दोस्त बहुत जाना है हम क्या करेंगे हमने बोला एक नया नया पॉइंटर बनाना है मैंने बोला कि इंट एक नया पॉइंटर चाहिए दोस्त और आपने बोला कि नए पॉइंटर का नाम रखूंगा क्यू इसमें डाल दिया पी ठीक है ये आपने पॉइंटर बना रखा था इसमें बस आपने कॉपी कर दिया अब देखते हैं प्रिंट करके कि यार एक बार पी की वैल्यू दिखा दो मुझे क्या है और फिर मुझे ना एक बार क्यू की वैल्यू दिखा देना ताकि हम कंपेयर कर पाएंगे सही आंसर आ भी रहा है ठीक है और एक बार क्या करूं मुझे एक बार ना स्टार ऑफ पी की वैल्यू बता दो और फिर मुझे स्टार ऑफ क्यू की वैल्यू बता देना है ना तो इसको मैंने एक बार चला के देख लिया देखो सेम 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 सेम, सेम. कर देता हूँ तो ये चीज़ हमको अब समझ में आ चुकी है और हमें समझ में आ गया कि पॉइंटर कॉपी कैसे करना होता है हम लिख दें कॉपिंग पॉइंटर इस प्रकार अब हम चाहें कि इस प्रकार की कुछ चीज़ चलाएं तो यहाँ पे हुआ क्या पहले इस लाइन को हम एक बार समझ लेते हैं पहले हम एक बार इस लाइन को समझ लेते हैं हमने क्या किया हमारा पहले जो स्टेज था वो इस प्रकार था कि यार इंट एन इज इक्वल टू फाइव तो ये एन पड़ा हुआ है इसका कुछ एड्रेस है और यहाँ पाँच पड़ा हुआ है बहुत बढ़िया अब मैंने लिखा इंड स्टार पी इज अब ए पे क्या होगा एक डब्बा बना है सौ ये एन वाला डब्बा है इसका एड्रेस है सौ और ये पांच ये इसको पॉइंट कर रहा है और एन भी इसी को पॉइंट कर रहा है अब मैंने क्या लिखा कि यार इन स्टार क्यू इज टू पी इसका क्या मतलब हुआ एक डब्बा बन गया क्यू ठीक है पहले से एक डब्बा पी तो था ही ठीक है और आपका एन वाला डब्बा भी है यार है ना तो ठीक है और आपका एन वाला डब्बा कहाँ है आपका एन वाला डब्बा ये रहा है इसके अंदर पाँच पड़ा है तो आपका जो पी है इसमें सौ पड़ा है इसी को पॉइंट कर रहा है आपका क्यू है इसमें भी सौ पड़ा है इसी को पॉइंट कर रहा है आपका एन बी एसी को पॉइंट कर रहा तो इस प्रकार की आपने जब स्टेटमेंट लिखी तो इसका मतलब ये था समझ में आ गई भैया मैं स्टार वर्क कैसे याद रखूँगा यार मेरे को समझ में नहीं आएगा अगर मान लूँ भैया मैं ऐसे यहाँ पे स्टार लिख दिया तो अगर फंस जाता तो मैंने बोला दोस्त फर्च जाता तो और अच्छी बात है मान लो आपको नहीं आता अब आपने आप स्टार लिख दिया यहाँ पे आगे आपने एक और स्टार चिपका दिया इस प्रकार से आप काम करे जा रहे हो करे जा रहे हो ठीक है हट एंड ट्राइल मार हो तो आप सीख जाओगे अच्छे से कि अच्छा यहाँ पे स्टार नहीं लिखना होता अच्छा यहाँ पे एम परसेंट लिखना होता है इस वक्त चीजें चल रही है, है ना तो इसमें जितना पॉइंट समझा रहा हूँ इससे आपको तभी समझ में आएगा तभी आपको चीज़ याद रहेंगे जब आप खुद बैठ के प्रैक्टिस करोगे अच्छा यहाँ पे दो बार एंड लगा के देखू अच्छा दो बार स्टार लगा के देखू एंड नहीं लगाता तो क्या होता या फिर स्टार नहीं लगाता तो क्या होता भैया प्रैक्टिस करो खेलो इसके साथ तब जाके समझ में आएंगी ना तो बप्पर तुम्हें सिखा सकता ना तुम्हें प्रभु सिखा सकते तुम्हें खुद ही सीखना बैठ के ठीक है तो ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी इसी को जब तक खुद इंप्लीमेंट करके नहीं दिखोगे खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद गेम नहीं खेलोगे ट्राई हिट एंड ट्राई नहीं मारोगे दोस्त तब तक मजा नहीं आएगा बैड प्रैक्टिस हम इसमें सीख चुके हैं इन स्टार पी कॉलन कॉलन मारा सेमी कॉलन मारा तो भैया वो कहीं भी पॉइंट कर रहा है और गलत चीज है वो हमें नहीं करनी उससे थोड़ा बच के रहना तो अब एक कॉन्सेप्ट हमारा और बचा पॉइंटर है एथमेटिक का आ, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आपको दोबारा बोलता अभी क्या जब तुम खेलेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैंने बोला आपको कि पॉइंटर है टी जो कि पॉइंट कर रहा है आई को है ना हमने क्या बोला कि एक पॉइंटर है टी जो कि पॉइंट कर रहा है आई को मुझे क्या पता अगर मैं ऐसे लिख दूंगा कि यार स्टार टी अगर लो चलो भैया मैंने बैकेट लगा बिना बैकेट के चलता हूँ स्टार टी प्लस प्लस इसका होगा इस केस में क्या होगा भैया मैं दोस्त तो ट्राई करते हैं प्रिंट करके देखते हैं एक बार इस केस में क्या होगा हमने इसको ऐसे लिखा और ये चल कर ही रहा क्योंकि ऐसा कोई नंबर बनाया नहीं पड़ा हमें बना देते हैं ठीक है इसको चलाते हैं एक बार फिर तो थ्री आ गया तो ऐसे ही भैया कोई दिक्कत नहीं आ रही है वैसे करने में मैंने बोला दोस्त तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं आ रही है बट फिर भी अपन अच्छा चलेंगे अच्छा कोड लिखेंगे क्वालिटी कोड लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाओ ब्रैकेट लगाओ और फिर खेलो ठीक है तो ये एक चीज़ होगी हमारे सामने कि ठीक है ऐसा हमें कुछ कुछ करना है भैया अब अगर मैं ऐसा कर दूँ मतलब इसकी इसका मतलब क्या है बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है इसका मतलब तो यही है ना कि स्टार टी क्या स्टार टी इज इक्वल टू स्टार टी प्लस वन यही है ना इसका मतलब है ना अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ को लिख दिया ऐसा लिख दिया पहले और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहां पे मैंने आके लिख दिया कि सी आउट आज हमारी अलाइनमेंट आउट है भाई सी आउट स्टार टी अरे भैया चलो ना ठीक है इसको प्रिंट कर दिया एक बार सही चल रहा है चार आ रहा है

एड्रेस स्टोर्ड इन टी यहां पर सेम कि वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड टी प्लस वन इस प्रकार तो ये आपने कर ली बट जब हम लिखते हैं कि यार टी इज इक्वल टू टी प्लस वन हमें क्या पता है कि टी है और ये आई है आई का कुछ एड्रेस होगा जो कि यहां पे स्टोर्ड है टी के अंदर और यहाँ मान लो ये वैल्यू पड़ी हुई है जब मैं बोलता हूँ टी इज इक्वल टू टी प्लस वन तो क्या भैया 101 हो जाएगा मैं बड़ा दोस्त नहीं होगा मैं बड़ा दोस्त नहीं होगा क्या होगा भैया फिर ये समझते हैं ये टी था ये सौ था ये आई था ये तीन था और ये सौ था जब मैं बोलता हूँ टी इज इक्वल टू टी प्लस वन हमें क्या बताया कि यार ये जो इंटीजर है ना चार बाइट लेने वाला दोस्त ठीक है ये चार बाइट लेने वाला है तो यहां इस केस के अंदर जब मैं टीज गन टी बोलता हूँ तो ये सौ से एक सौ एक नहीं होगा ये क्या होगा ये अगले इंटीजर पे चला जाएगा मान लेते हैं कि जो एड्रेस सौ से स्टार्ट हुआ था तो कहां खत्म होगा चार बाइट लेगा ना ये तो जो अगला इंटीजर को कहां से एक सौ चार स्टोर हो जाएगा 104 क्यों स्टोर हुआ क्योंकि सौ से लेके लेस देन एक सौ चार तक आपका इंटीजर ने स्पेस घेरा हुआ है समझे चार बाइट का इंटीजर होता है तो वो इसी थ्री ने वो स्पेस घेर रखा है जब मैं टीज गोर टी पर्सन बोलता हूँ तो क्या होगा अगले इंटीजर पर चला जाएगा अगर मान लो वो करेक्टर टाइप का होता तो जितना एक स्पेस करेक्टर लेता है उसके बाद जो अगला करैक्टर शुरू होता है तो अगले करैक्टर पर चला जाता है सेम उसी प्रकार अगर मैं डबल की बात करूँ तो वो टी इजल टू टी प्लस वन पर अगले डबल पे चला जाता है डबल का साइज़ आठ तो यहाँ पे अगर टी जो सौ है तो टी टी प्लस वन के बाद क्या होता एक सौ आठ हो जाता समझ में आई ये बात इसको एक बार ट्राई करते रन करते हैं समझ में आ जाएगा तो मैंने क्या किया तो मैंने यहाँ बार पहले टी प्रिंट कर लिया समझ में आई ये चीज़ हमें समझ में भी आ जाएगी बेसिकली इसका मतलब यह है कि जब भी मैं इसे टी टी प्लस वन कर रहा हूँ अपने पॉइंटर को बस मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो उस केस में अगली लोकेशन पर चला जाएगा दोस्त समझ लो अगले इंटीजर पे अगर एरे का केस है तो अगले एलिमेंट पे समझ लो इस प्रकार जाएगा इसको रन करते हैं एक बार ठीक है तो ध्यान से देखो यहां पे क्या हुआ होगा सेवन फोर सिक्स सी सी के बाद क्या आया डी ई एफ जीरो देखो ध्यान से सी था डी ई एफ जीरो तो भैया चार बाइट का आगे बढ़ गया वो <coughs> अब मैंने प्लस वन किया है यहाँ पे प्लस प्रिंट करने के बाद मुझे दिख गया कि वो चार बाइट आगे बढ़ चुका है समझ में आई ये चीज हमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं समझ में रिपीट करके एक बार पीछे देख दोबारा हुआ ठीक है तो हमने तो क्या सीख लिया हमने देख लिया कि सिंपल पॉइंटर कैसे बनता है यहाँ पर देखो ये हमने नल पॉइंटर क्रिएट कर लिया यहां पर हमने एक सिंपल पॉइंटर क्रिएट कर इनिशिलाईज कर लिया अगर ये वाला तरीका नहीं आता मुझे तो मैंने इस तरीके से कर लिया ठीक है यहां मैंने देखा किसी और वेरिएबल में अगर कॉपी कर लूँ और फिर चेंज करने की कोशिश करूँ तो क्या मेन कंटेंट पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा किसी पॉइंटर में चेंज कर लूँ और पॉइंटर को उस पॉइंटर के द्वारा चेंज करने की कोशिश करूँ तो क्या पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा पॉइंटर कॉपी कैसे करना होता है करके कर दिखा दिया uh, अगर मैं पॉइंटर को ही इंक्रीमेंट कर दूँ है ना जहाँ पे मैंने पॉइंटर क्रिएट किया टी वाला इसको मैं इंक्रीमेंट कर दूँ तो वो अगली लोकेशन पर चला जाएगा अगर इंट है तो अगली इंट लोकेशन पर चला जाएगा अगर कैर टाइप का तो अगले कैर लोकेशन पर चला जाएगा अगर डबल टाइप का डबल आठ बाइट का होता है तो आठ बाइट आगे वाली लोकेशन पर चला जाएगा समझ गए बात है ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब और क्या हम आपको बता सकते हैं सेम जैसे हमने यहाँ प्लस में किया है कि वो आठ बैट आगे जा रहा है डबल केस में या इंटर केस में चार बैट आगे जा रहा है सेम उसी प्रकार सेट करता टी कर टीम माइनस वन करता तो वही सेम वो इंटीजर है तो चार बैट पीछे ले जाता डबल है तो आठ बैट पीछे ले जाता इस प्रकार चीजें चलती ठीक है तो ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी ठीक है तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी वो थोड़े से आपको क्वेश्चन देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए ठीक है तो हम आ गए कोर्ड स्टूडियो में कोड स्टूडियो में अपना गया गाइडेड पाथ के अंदर गाइडेड पाथ में चला गया यहाँ पर जाके मैंने अपना बढ़िया पॉइंटर सर्च कर लिया पॉइंटर्स ठीक है पॉइंटर में मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे क्वेश्चन ठीक है पॉइंटर का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे व्यू करेंगे आप पॉइंटर क्या होता है पॉइंटर एक बार ये आप पढ़ लेंगे आपको और अच्छे समझ में क्लियर क्लियर हो जाएंगी चीज़ें ठीक है डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या है थ्योरी वाइज और चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी ठीक है टाइप ऑफ पॉइंटर कौन कौन से हो गए थ्योरी वाइज और अच्छे से आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ समझ में आएगी जो इंटरव्यू पूछी जाती है आप ये चीज़ें हम कवर नहीं करेंगे अब आई पर आप ये पढ़ना एज अ होमवर्क आप इसको ले सकते हैं कि यार वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है ठीक है ये सारी चीज़ें छोरी वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इतना कुछ खास मुश्किल होता नहीं यार एक बार रीड लगाएंगे और चीज़ें समझ में आपको अच्छे से आने लग जाएंगी ठीक है आगे चलते हैं टाइप ऑफ पॉइंटर यहाँ पे प्रॉब्लम्स पड़ी हुई है मैं कहता हूँ कि सारी प्रॉब्लम ट्राई करो क्या कहता हूँ कि सारी प्रॉब्लम ट्राई करो मुझे पता है कि अभी हमने पूरा पॉइंटर कवर नहीं किया है ठीक है इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं भी हो पाएंगी कोई बात नहीं हम जाएंगे दिमाग लाएंगे तो नहीं समझ में आएगा तो गूगल सर से तो सोचेंगे कुछ समझेंगे टाइम यूटिलाइज तो करेंगे फायदा होगा तो इसी पे काम करना और ये करना मेरे हिसाब से ठीक है ये आपके काम आएगी आगे भी अभी पॉइंटर में हम फंक्शन जैसे मैं फंक्शन नहीं पड़ा पॉइंटर के साथ एरेज नहीं पढ़े पॉइंटर के साथ तो वो जी हम पढ़ लेंगे है ना और ये आपको अभी आगे पॉइंटर की और वीडियो जाएंगे और चीज़ें समझाऊंगा मैं तो कोर्ट शोट में जाकर पॉइंटर के वाले क्वेश्चन करना चैम्प बन जाना डन है तो हमने सिर्फ समझ लिया पॉइंटर क्या होता है हमने अलग तरीके देख लें इंप्लीमेंट करने के कैसे 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 और थ्योरी आपको समझ में आ चुके ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसमें इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कमेंट्स में बता के जाना यार कैसा लगा ये पॉइंटर का डिस्कशन मैंने जान मुझे छोटा बनाया आगे मैं चाहता तो इसको लंबा दो तीन घंटे का बना के बहुत प्यारा पॉइंटर का सेशन बना सकता था बट फिर बहुत बंदे देखते नहीं तो दो तीन पार्ट में कर लेते हैं और अच्छे समझ में भी आ जाएगा ठीक है तो मिलते हैं आपसे बाय बाय